मध्य प्रदेश सरकार की पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। रीवा के गोविंदलाल तिवारी एयर एम्बुलेंस की सुविधा लेने वाले पहले मरीज बने हैं। आयुष्मान कार्डधारी गोविंदलाल को एयर एम्बुलेंस की सुविधा मुफ्त मिली। उन्हें इसके माध्यम से रीवा से भोपाल रेफर किया गया। रोगी को समय पर उपचार सहायता मिल जाए तो उसके प्राणों का संकट दूर हो जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने आयुष्मान कार्डधारी रोगियों और आपदा में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की सुविधा निःशुल्क दी है। इस सुविधा का लाभ मऊगंज के गोविंदलाल तिवारी ने लिया। गोविंदलाल तिवारी को 23 जून की रात को हार्ट अटैक आया था। परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज रीवा लेकर पहुंचे। यहां पर डॉक्टरों ने उन्हें भोपाल के लिए रेफर किया। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार की शुरू की गई पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सुविधा का परिजनों ने लाभ लिया। गोविंदलाल को एयर एम्बुलेंस से रीवा से भोपाल रवाना किया गया। मरीज की बहन सुनीता देवी ने बताया कि बेहतर इलाज के लिए हम लोगों ने भाई गोविंद लाल को भोपाल ले जाने की इच्छा जताई थी, जिस पर पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सुविधा का हमें लाभ मिला। बिना किसी खर्च के हम उपचार के लिए अपने भाई को भोपाल तत्काल ले जा पा रहे हैं। मेरा नाम सुनीता द्विवेदी है, मैं जुड़मनिया की रहने वाली हूँ। मेरे बड़े भैया की तबीयत खराब हो गई अचानक 2 बजे रात। मैं भर्ती करी सुपर स्पेशलिस्ट में, उनको वहाँ से आराम नहीं मिला, तो मैं माननीय ग्रीष गौतम माननीय राजन सुकुल के उससे सहयोग से मैं इनको भोपाल ले जा रही हूँ बाई एयर, हवाई जहाज से लेके जा रही हूँ। उनकी तबीयत में सुधार अभी नहीं हुआ है, इसलिए मैं ग्रीष गौतम और राजन सुकुल की बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत उनका सहयोग है, बहुत बहुत धन्यवाद है। फ्री एम्बुलेंस सेवा जो श्री मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत हम लोग बहुत बहुत आभारी। एयर एम्बुलेंस में मौजूद चिकित्सक ने कहा कि कई गंभीर मरीज हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ देते हैं। ऐसे हालात से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पीएम श्री योजना शुरू की है। गोविंदलाल तिवारी का केस देखकर लग रहा है कि यह योजना काफी कारगर साबित होगी। ये मध्य प्रदेश सरकार की माननीय अपने उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ला जी की पहल पर यह एक नवाचार, और ये पूरे हिंदुस्तान में जो पहली बार जो फ्री एयर एम्बुलेंस की जो सुविधा हमारे मध्य प्रदेश के नागरिकों को जो दी जा रही है, निश्चित ही रूप से यह जनता के लिए बहुत बड़ा फायदा रहेगा। मरीजों के लिए इसको समय पर इलाज कराने में, फ्री में बड़े संस्थानों में, उच्च संस्थानों में जब उनको ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो उसको पहुँचाने में मदद मिलेगी। और यह हम जनता की ओर से सभी लोगों को बधाई देते हैं और इसका लाभ सबको मिले, इसके लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। हमारे अधीक्षक हैं सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर अक्षय हैं, SGMH और GMH के राहुल जी भी हैं। इन सब का प्रयोग है कि, और हम लोगों को ये हर्ष है इस बात का कि यह जो एयर एम्बुलेंस की फ्री सेवा रीवा से पहली बार आज यह लेके हमारे एक मरीज को लेकर भोपाल जा रही है। वही अधिकारियों का कहना है कि पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत सभी आम लोगों को बेहतर और तत्काल इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाती है। खास बात यह है कि यह पूरी तरह से निःशुल्क सेवा है। ये पीएम श्री हवाई एम्बुलेंस सेवा मध्य प्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुर्घटना, औद्योगिक हादसे एवं प्राकृतिक आपदा के हादसों में जो प्रभावित व्यक्ति हैं या जो गंभीर रोगों से पीड़ित हैं, उनको अगर उच्च स्वास्थ्य संस्थाओं में तत्पर रूप से तत्काल उनको आगे के इलाज के लिए जो रेफर किया जाता है उसमें विलंब ना हो, इस हेतु ये पीएम श्री हवाई एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है। और आज 24 जून 2024 को रीवा जिला मुख्यालय से प्रथम जो मरीज है वह भोपाल की ओर इस योजना अंतर्गत रेफर किया गया है। आप देख रहे हैं
दखल न्यूज़।